हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सुर म्यूजिक चैनल से पवन भैया की एक न्यू मूवी आ रही है, सूर्यवंशम। ऑफिशियल उसका ट्रेलर है ये, ठीक है। सूर्यवंशम नाम पर मुझे थोड़ी सी हंसी इसीलिए आई क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से दो मूवी बन चुकी है, ठीक है। ओरिजिनली 1997 की जो तमिल लैंग्वेज में सूर्यवंशम बनी थी एंड देन उसका रीमेक हुआ था हिंदी में अमिताभ बच्चन स्टारर सूर्यवंशम, ठीक है। तो अब ये भोजपुरी में भी सेम टाइटल यूज किया गया है। अभी हम ट्रेलर में देखते हैं कि प्लॉट भी वही है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। अकेला ही खुद के लिए काफी हूं, मेरे वजूद को सहारों की आदत नहीं। ए पवनवा, नाम के आगे जीत हार बाबूजी लगाई हैं। ए पम्मी, पम्मी जी हमारो सालिये नु लगी हैं। और न तका इसे भगवान जी इतना सुंदर रूप देले बाड़, तो जाहिर से बात बा जे देखी उ पगलिये नु जाई। लागे आज कुछ आखी देखी आइल बाड़ा, तबे जान देवे खाती छपट आइल बाड़ा। देहिया में आग लगा के देवता भीतर के जागा के, कहे झनक लु झमका से ओढ़नी दबा के। पवन बाबू के का पढ़ाई चलता? गांव जवार में नंबर वन हूँ मार झगड़ा करे में। ऐसे लगते इंद्रासन के पौरी से इनकर बिया। अरे ठेबारी, तोरा से बढ़िए हुई। अच्छा, उनका दूसरा लड़की से बिया होता। दर्द दिया ए बाला। जितना पढ़ल बड़ा ना, उतना में एगो लड़की बिया करे बदे तैयार बिया के हम और के। अब राजनीति ना रणनीति हुई। मालूम बा विधायक जी तुम्हारा ताकत और पावर के बारे में, लेकिन तुम्हारा अंदाजा नहीं कि हमारा पागलपन के बारे में। परिवर्तन के आंधी कौनो कीमत बना रोकी। ये हमार मोहब्बत हिया और होखे वाली पत्नी छोड़ी ना क्यों देख ली। हटके होने दे हिया से दूर रही राजा जी, बर जाए खीस का भुला दे हब माजा जी। मुह कहे ऐसे फुलोल बड़ जानू, का भइल मिजाज तो हर ठीक ठाक बानू। लहंगा लहर तारे को जब तक न लूंगी, रसगुल्ला नियन गाल राजा छूने न दूंगी। रसगुल्ला नियन गाल राजा। पवन के पुलिस लेके गई। साहेब, कौन खिलाड़ी है जे हमनी के साइड से खेला था? हमरा उहो पता बा जे तहरा पता नहीं खे। आपन उम्मीदवार मास्टर जी के बनाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा। जौन गंदा खेल खेल रहल बड़ा ठीक नहीं खे। अरे हमके धमकी देता, एकर ग्रह के चाल ठीक करे के पड़ी। कना काट
काटब की शमशान में अर्थी पर ना बोरा में भर के जाइबा। ओके सो यहाँ पे प्लॉट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो मूवी का प्लॉट जो है वो सूर्यवंशम से 30-40% मिलता जुलता है, ठीक है। 30-40% इसलिए क्योंकि गांव की कहानी है ना, और एक लड़का है जो बहुत ही अच्छी फाइट करता है, जैसा कि हमने पहली दो सूर्यवंशम में देखा है, जो बहुत ही अच्छी फाइट करता है, सच के लिए लड़ता है, अपने बाबूजी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, ठीक है। और एक लव स्टोरी है स्वीट सी, ठीक। तो 30-40% यहाँ से जो मिलना जुलना था वो हो गया। अभी जो प्लॉट ट्विस्ट है, जो चीज़ हमें अलग यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो चीज़ ये है कि उस गांव के किसान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक राजनीतिक नेता से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, विधायक से जुड़ी हुई हैं वो प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर हम लोग देखते ही हैं कि अक्सर मूवीज़ में ये प्लॉट होता है, अक्सर मूवी में कहानी होती है कि हाँ जो पावरफुल बंदा है, ठीक, वो हमेशा दूसरों को, गरीबों को, यानी कि जो उनसे कम पैसे वाले हैं, ठीक है, कम पैसे वाले ही बोल सकती हूँ मैं, ओहदा तो नहीं बोल सकती, क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं होते तो नौकर जनता के ही हैं, है ना। तो वही चीज़ है, ये उनसे कम पैसे वाले जो लोग हैं उनको दबाता है, ठीक है। पावरफुल इंसान जो होता है वो जिसके पास मैन पावर हो या मनी पावर हो, ठीक है, ऐसा इंसान, तो वो चीज़ है। अब वो किसान जब अपनी पे आता है, जब उसकी हट जाती है, ठीक है, जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, जो बुरा कर देता है, तो उसका हश्र क्या होता है, वो चीज़ हमें यहाँ इस मूवी में देखने को मिलेगी। सो इट्स काइंड ऑफ टिपिकल भोजपुरी प्लॉट, ठीक है। तो वही चीज़ है, और पवन भैया स्टारर है, तो उनका हमें एक्शन भी ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स वही एक्शन जो ज़्यादातर भोजपुरी जनता को बहुत ज़्यादा पसंद है पवन भैया की मूवीज़ में, ठीक है। उनकी मूवीज़ लाइक पहले भी उनकी काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ आ चुकी हैं जिनमें हमें ऐसा ही एक्शन देखने को मिला है, ठीक है। मास एंटरटेनर कह सकते हैं जिसको, मास एंटरटेनर एक्शन, जिसमें आप ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ वो रियल लाइफ में किसी आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन मूवी में वो मास एंटरटेनिंग का काम करता है कि हाँ मूवी में हमें ऐसा एक्शन ही देखने को पसंद आता है कि एक आदमी है वो 100 से लड़ रहा है, ठीक है, वैसा कुछ। तो यार ओवरऑल इट्स फैमिली एंटरटेनर मूवी, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये एक्शन पसंद आया होगा, और मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि जो जनता है वो इस मूवी को कितना पसंद करती है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।